दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को बुरी तरीके से रौंदने के बाद मुंबई इंडियंस की टीम बीसीसीआई के इस नियम से पहुंची सीधा आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में। आखिरकार गाइस आप भी चाहते हैं मुंबई इंडियंस की टीम अब की बार आईपीएल 2023 का खिताब जीते तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आईपीएल 2023 का 59वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला गया, जिसमें हैदराबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन स्कोर पर लगाए 5 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा मयंक अग्रवाल ने 83 रन की तूफानी पारी खेली, वहीं विभ्रांत शर्मा ने 59 रन का योगदान दिया। मगर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब मुंबई इंडियंस की टीम जब मैदान पर आई तो मुंबई इंडियंस की ओर से ईशान किशन 14 रन के स्कोर पर आउट हो गए, तो वहीं रोहित शर्मा ने 56 रन का योगदान दिया, जबकि उसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम का मोर्चा संभाला कैमरून ग्रीन और सूर्य कुमार यादव ने, जबकि कैमरून ग्रीन ने 47 गेंदों में 100 रन उड़ा दिए तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने 25 रन का योगदान दिया और इस मुकाबले को 201 रन स्कोर बोर्ड पर लगाकर 2 विकेट खोने के बाद 18 ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम ने 8 विकेट से जीत लिया। मगर दोस्तों आपको बता दें आज गुजरात टाइटंस और आरसीबी का मुकाबला बारिश के कारण कैंसिल हो जाए या फिर आरसीबी गुजरात टाइटंस से हार जाए, अगर दोस्तों यह मुकाबला बारिश के कारण कैंसिल होता है तो आरसीबी के यानी 15 पॉइंटे हो पाएंगे और वही मुंबई इंडियंस के 16 पॉइंटे। इसी के साथ मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2023 के प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। वैसे गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना क्या मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2023 के प्ले ऑफ में पहुंच सकती है या फिर नहीं।